देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी, राधे राधे, और मैं हूँ मेघा। नमस्कार। आज आपको वास्तु के कुछ खास उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में खुशहाली आएगी, घर में जो लोग रहते हैं उनका मन अच्छा रहेगा। दोस्तों, हर इंसान ऐसे घर में रहना चाहता है जो आरामदायक हो, शांत हो, आपको उस घर के अंदर जाते ही अच्छा लगे, भीड़ भाड़ कम हो, अंदर से सुंदर हो, तरोताज़ा हवा रहे। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी होता है कि ये घर के अंदर ऊर्जा उसमें रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। वास्तु कहता है कि पर्यावरण हमारे दिमाग और स्वस्थ शरीर के निर्माण में मदद करता है। सही तरीके से वास्तु का पालन किया जाए तो घर में रहने वालों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में बहुत मदद मिलती है। आज जान लेते हैं खास वास्तु के उपाय जिनकी वजह से आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। पहला है, ताज़ी हवा और धूप के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनाएं। इसलिए सुबह के समय अगर मुमकिन हो तो आप घर की खिड़कियां खोल के रखें। दूसरा, घर में कोई भी कोना ऐसा ना हो जिसमें अंधेरा हो। हर कोने में आप रोशनी की व्यवस्था करके रखें। रोशनी नहीं है तो आप नेचुरल लाइट यानी कि धूप की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और धूप की व्यवस्था भी नहीं हो रही तो आप उस जगह पर एक छोटा बल्ब लगा दें। तीसरा, फिश एक्वेरियम अगर रखा हुआ है तो उसे आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें, यह बेहद शुभ रहेगा। चौथा, मेन गेट के पास पेड़ या फिर खंबा नहीं होना चाहिए, इसे द्वार बाधा कहा जाता है। इसके अलावा दरवाजे के पास मुरझाए हुए या फिर सूखे पौधे भी ना रखें। पांचवा, बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें। पहले के जमाने में तो घर के अंदर बाथरूम होते ही नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में बाथरूम घर में होते हैं, तो उस दौरान आप बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखें। अगर आपके घर पे ऐसी व्यवस्था है कि दरवाज़ा नहीं है बाथरूम में, तो आप वहाँ पर एक पर्दा लगा दें ताकि वो हिस्सा आपका ढका रहे। और ध्यान रखें, बाथरूम के अंदर कोई पाइप लीक हो रहा हो तो उसे भी ठीक कर लें। छठा, किचन में कभी भी दवाई ना रखें। दवाइयों के लिए हमेशा ऐसी जगह चुनें जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़ती हो। सातवा, अगर आप आराम कर रहे हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वाईफाई सब कुछ बंद कर दें। वैसे मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा क्योंकि आजकल ज़माना पूरा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हो गया है, तो शायद ही इस तरह का हम कुछ कर पाएं। आठवा, कुछ समय अपने घर पर संगीत और मंत्रों का जाप करें। सुबह के समय खासतौर पर अपने घर में एक घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए कोई भी मंत्र लगा दें, कोई भी मधुर संगीत लगा दें जो सुनना आप पसंद करते हैं। नौवा, जो आपके घर में फर्नीचर है उनके किनारे नुकीले ना हो, और घर को पेंट करवाते वक्त लाल, काले और भूरे रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दसवां, घर की दीवारें हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। वहाँ पर आप कोई भी ऐसी पेंटिंग ना लगाएं जिसमें हिंसा हो रही हो, या डिप्रेशन दिख रहा हो, या कोई नेगेटिव चीज़ दिख रही हो। हिंसक जानवरों की तस्वीरें बिल्कुल ना लगाएं। ऐसी तस्वीरें लगाएं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हों, जैसे प्राकृतिक की तस्वीर लगा लें, हंसते हुए चेहरों की तस्वीर लगा लें। ये आसान से वास्तु के उपाय हैं जो कोई भी अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कर सकता है। अभी के लिए वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।